हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममताज किचन। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आ गई हूँ, तो चलिए देखते हैं कि आज मैं क्या बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की रेसिपी। आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला। इसके लिए देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर क्यूब्स में कटा हुआ, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, 3 चम्मच बटर, 5 टमाटर, मैंने इसको काट लिया है 5 टमाटर, टमाटर लाल होने चाहिए, 1 हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, 10 से 15 काजू जिसको कि मैंने 1 घंटा पानी में भिगो दिया है, आधा चम्मच या पौन चम्मच कसूरी मेथी, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम या मलाई, ये मैंने घर की मलाई ली है। मसालों में चाहिए धनिया, गरम मसाला, कसूरी लाल मिर्च और नमक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी पनीर बटर मसाला। चलिए हम पनीर बटर मसाला की ग्रेवी तैयार करेंगे। देखिए मैंने गैस ऑन कर लिया है। गैस ऑन करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे, 1 का फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे ताकि बटर जले ना, बटर को मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें ये 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 1 का फ्लेम स्लो रखेंगे, लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च मैंने इसलिए डाली क्योंकि पनीर बटर मसाला जो होता है थोड़ा मीठा होता है, तो उसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए डाला है। आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं। अदरक डाल देंगे, बस इसको आधे मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। अब इसमें हम ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालकर गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। और हाई फ्लेम पर इसको 2 मिनट रोस्ट करेंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसको हम ठंडा करने को रख देंगे और ठंडा करने के बाद इसकी प्यूरी बनाएंगे। ये देखिए मैंने टमाटर को पूरी प्यूरी को पूरा पीस लिया है और मैंने ये काजू वाला पेस्ट भी पीस के तैयार कर लिया है। अब इस तरह के स्ट्रेनर में, या आपके पास छोटा हो, मेरे पास बड़ा है, तो मैं इसमें इसको स्ट्रेन कर लूंगा। सारी प्यूरी डाल के मैं इसको स्ट्रेन कर लूंगी।
मसाला पिस गया है, अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। पनीर बटर मसाला मैंने पैन को रख दिया है गैस पे, गैस ऑन कर दिया। अब मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब जो मैंने ये मिक्सचर सा छान के रखा था टमाटर लहसुन अदरक वाला, ये मैं इसमें डालूंगी। थोड़ा कर दी। थोड़ा पिसा धनिया डालेंगे इसमें। पनीर भी डाल देंगे इसमें। काजू का जो पेस्ट पीस के रखा था वो भी डाल देंगे। हमारी तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और थोड़ा गरम मसाला टेस्ट के लिए डाल देंगे। देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है अब सर्व करने के लिए। देखिए इस तरह से तैयार हुई है सब्जी हमारी। अब मैं इसको सर्व करूंगी। ये देखिए हमारी पनीर बटर मसाला की सब्जी बिल्कुल रेडी है। इसको आप रोटी के साथ, पराठे